वजीर आजम का कहना है कि मुल्क की सियासी क़यादत पाकिस्तान की तरक्की पर यकीन रखती है। सब मिलकर मेहनत करें तो पाकिस्तान को कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी, वो वक्त आएगा जब हम कर्ज लेने के बजाय कर्ज दिया करेंगे। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जिला तोरगुर के दौरे के मौके पर कबायली अमायदीन से खिताब करते हुए कहा है कि आप लोगों ने तरबेला डैम के लिए अपनी जमीनें कुर्बान कर दी, ये आपकी बहुत बड़ी खिदमत है जैसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन सूबा है, माजी में अगर तवज्जो दी जाती तो खैबर पख्तूनख्वा तरक्की याफ्ता सूबा होता। इदारे और उनके सरबरा फैसला कर लें कि पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। वक्त एक दौलत है जैसे अच्छी तरह इस्तेमाल करके मुल्क को सोना बना सकते हैं। वजीर आजम का IMF प्रोग्राम पर बात करते हुए कहना था कि हमने बड़ी मुश्किल से मुआहदा किया, IMF का प्रोग्राम कोई मिठाई नहीं। पाकिस्तान के मुखालफीन दिन रात मुल्क के डिफॉल्ट होने की दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ने इन मुखालफीन का ख्वाब दफन कर दिया। काम करने का जज्बा होगा तो हम मेहनत करके दूसरे ममालिक से आगे निकल जाएंगे।